उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर नोबेल पीस प्राइज, सो व्हाट इज योर वाइफ? उन्होंने ओपिनियन उनका है तो मैं उसमें क्या कमेंट करूंगी? आप क्या देखते हैं? मैं क्या बोल सकती हूँ उस पर? किसी ने कहा है, कोई कोई किसी को ऑस्कर के लिए बोलेगा नॉमिनेट करो, तो मैं उस पर मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ? मैम, जो अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग आज हुई है, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टीज का एक रोल बनता है नेशनल असेंबली पार्टी मिल रहे हैं क्या? आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्दी से यहाँ? देखिए, मुझे इलेक्शन कब हो क्या हो, दैट इज नॉट माई प्रियोरिटी। और जो जहाँ हमारे मुश्किल आते हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर 2019 के बाद, तो हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव गए हैं रीन साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे, ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कितनी मुश्किल आता है लोगों को, कितना यहाँ पर सप्रेशन है, कितनी यहाँ पर नौकरियों में दांधलियाँ होती हैं, कितना यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, यहाँ के जो लोगों के जो रेत हो, बाजरी हो, जो लिकर हो, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, और यहाँ के लोगों को इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो चुकी है, यहाँ की लोकल्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है ज़मीन में, बल्कि आउटसाइडर्स को कहा जाता है। यहाँ तक कि आज तक 2019 से लेके आज तक कोई भी आउटसाइडर ने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप नहीं की, कोई उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी, खासकर अगर आप जम्मू को देखें, जम्मू में दरबार मुंह बंद होने के बाद जम्मू का जो मार्केट का जो यहाँ पर है वो बिल्कुल ठप हो गया है, बैठ गया है, इकोनॉमी यहाँ की ठप हो गई है, और जम्मू में सबसे ज्यादा बाहर के लोगों का आना और बसना शुरू हो गया है। मैडम, एक मैडम सवाल है, जिस तरह से प्रिवेलिंग सिचुएशन है, हमने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उसको लेकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है वैली जैसे हैं, आप किस तरह से देखते हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने की कोशिश और सारा ह्यूमन क्राइम? वो तो बहुत बुरा है, पर हमारे यहाँ तो लोग मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, उनको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं, तो ये तो मसला तो कोई मुझे लगता है डिफरेंट नहीं है। अगर वहाँ पर इमरान खान को बंद करना चाहते हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी, वो भी जेल गए हमारे यहाँ, और ये तो कानून की बात है, मगर हमारे यहाँ तो इस वक्त जो हो रहा है, जो ईडी और सीबीआई का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो अपोजिशन के लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाए, जैसे सिसोदिया की बात करें, ये जो के कविता की बात करें जिसको बुलाया गया है, ये लालू प्रसाद यादव की बात करें, शिवसेना के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कोई पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही है जो यहाँ नहीं हो रही है। बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है, एग्जाम डेफर करना तो अच्छी बात है, मगर जब तक एपटेक को आप बाहर नहीं करेंगे, जो असली समस्या का जो असली वजह है उसको जब तक दूर नहीं करेंगे, तो तब तक तो कोई फायदा नहीं है। एपटेक को दूर करके या तो एसएसआरबी खुद एग्जाम कंडक्ट करे, या किसी ऐसी एजेंसी को एम्प्लॉय करे जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, तब बात बनेगी। खाली एग्जाम डेफर करना तो मैडम, एमजी टॉक अबाउट द बैकडोर एंट्रीज, व्हाट विल यू से अबाउट दैट? सॉरी, जो कैंडल मार्च किया था आपने जेकेएसएसबी के खिलाफ बच्चों के फेवर में, वो सक्सेसफुल हो गया? नहीं, देखिए वो तो अधूरा है, अभी तो खाली एग्जाम डेफर हुए हैं, अभी तो एपटेक को बाहर करना है, उनके खिलाफ एक्शन करना होना चाहिए जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया, और उसके बाद कोई नई एजेंसी को एम्प्लॉय करके एग्जाम होने चाहिए, अभी तो ये अधूरी बात है। मैडम, साहब तो ठीक रहा, आपका तोड़ पर आपका एक बयान आया था कि ये यूपी के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वहाँ पर माफिया और गुंडों को जो है नौकरी दी जाती है। कल उसी सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है कि हमने 47 कोई कर्मचारी है जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनको हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया जो देश विरोधी कार्यों में सम्मिलित थे, किस तरह से आप? उसमें मैं क्या देखूं, जब से ये गवर्नर साहब आए हैं, जो जो नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, नौकरी किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि जब नौकरियों के लिए बच्चे हमारे पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम देते हैं, उसमें दादलियां होती हैं, तो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड बनेगा इस गवर्नर साहब का, जितने लोगों को ये नौकरियों से निकाल रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड की क्या बात है इसमें? हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहाँ गंगा जमुना तहजीब है, वहाँ हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है, और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा कुंज वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है, और उसके बाद वहाँ किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए,
तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी, तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। लेकिन महबूबा जी, देवबंद के मौलाना साहब है, उन्होंने आपकी मुखालफत की है, बोला है कि ये सही नहीं है, इसकी आपका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। वो तो खैर उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी, मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, यहाँ जो हमारे ज़ियारते हैं वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पर डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है, इस पर तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं क्या करूँ, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जम्मू एक दिन बंद रहा, उसके रिजल्ट में एलजी साहब ने एक सजेशन के लिए खोल दिया कि अपनी वेबसाइट के आप सजेशन दे सकते हैं, क्या सजेशन सही है या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए? डिफरमेंट करना, किसी चीज को टालना उसका इलाज नहीं जब तक उस चीज को खत्म ना किया जाए। थैंक यू मैडम।